मैं तुम्हारे लिए ब्लॉक बटन दबा दूंगा फिर। चलो यस सर, वैसे भी पेपर चले हैं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। यही क्वेश्चन थे तुम्हारे पिछली बार के, दिख रहे होंगे पहला क्वेश्चन यही था। मैंने क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है, किसी को मेरे पे यकीन नहीं है तो क्वेश्चन पेपर में जाके देख ले। यकीन यकीन है, पूरा पूरा है? ठीक है विश्वास। चलो फिर, तो यहाँ लिख लेते हैं 11th क्लास गंदे फर्स्ट बच्चे। नेम पेपर। चलो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखे बच्चे ए और बी का, जो कि कैसा है। पहले तो देखो, अब मैं तुम्हें आज ही बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पेपर हम रोज रोज तो डिस्कस नहीं कर सकते, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको समझो और मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या दे रखा है। हैंड रेज करना पहले, ठीक है, फटाफट ट्राई करो जल्दी 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 जल्दी। 2 लाइन का क्वेश्चन है, जितनी जल्दी जल्दी बताओगे मेरे को आंसर, नहीं क्वेश्चन में क्या पूछा है, उतना जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे, उतना जल्दी तुम्हारी छुट्टी होगी। फटाफट करो, देख लीजिए, नहीं करोगे तो फिर रह जाओगे। सुजल बोलेगा, सुजल का माइक ऑन है, वेरी गुड सुजल, बताओ। माइक ऑफ कर लिया उसने। सर दो पार्टिकल्स का सर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है, हमने उनकी रेशियो निकालनी वेलोसिटी की। वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। 2 पार्टिकल्स हैं ए और बी, दोनों का ग्राफ कैसे दे रखा है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन दे रखा है बच्चे, और उनका एंगल दे रखा है, तो पूछा है कि उनकी वेलोसिटीज कैसी होगी। सबसे पहले तो ये दिमाग में रखो कौन सा ग्राफ है, कौन कौन सा ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम टाइम, यानी ऊपर तो होगा डिस्प्लेसमेंट, नीचे क्या होगा टाइम। डिग्री तो डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक का एंगल दे रखा है कितना सर, 30 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया, और मान लो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो तुम्हें बताना है इनकी वेलोसिटी का रेशियो। अरे यार ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, कैसे करोगे, अवंती वाला, बताओ 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 भाई। थीटा से कोई याद आता है क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम को से वेलोसिटी निकालनी है तो क्या निकालना पड़ेगा उस ग्राफ का, बताया स्लोप था मैंने, टेन थीटा वेरी गुड। स्लोप स्लोप निकालते हैं, क्या निकालते हैं, स्लोप, स्लोप स्लोप वही क्या स्लोप बताएगी वेलोसिटी। और स्लोप का फॉर्मूला होता क्या था, कौन सा थीटा, टेन टेन थीटा थीटा। थीटा तो फर्स्ट के लिए 10 थीटा 1 है, वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री 60 डिग्री दे रखे भाई, 45 कहां से हुआ, रूट थ्री √3 लिख देता हूँ, ध्यान से देखो, ये है थीटा 1, ये है थीटा 2, तो अंडर टेंजेंट थीटा 2 कितना हो जाएगा, टेंजेंट 60, जो कि कितना होता है बच्चे, रूट थ्री √3। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सेकंड पार्टिकल की, अंडर √3। ऐसे ही रूट बच्चे थ्री फर्स्ट वाले की क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा 1, टेंजेंट, 30 और वो कितनी होती है, 1/√3, अंडर रूट थ्री 1/√3। तो सर अब इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यानी 1/वेलोसिटी फर्स्ट की कितनी हो जाएगी, 1/√3। रूट इन दोनों की अब थ्री रेशियो निकालनी है तो क्या आ जाएगी रेशियो, 1 की वेलोसिटी ऑफ 1 / वेलोसिटी ऑफ 2 करना, 1/3 वन वन बाय बाय थ्री रूट थ्री ये है ना फर्स्ट की, तो और सेकंड की कितनी है, रूट थ्री रूट थ्री बिल्कुल सही बोला बच्चे ने, कितनी आ गई, 1/√3। थ्री वन तो ऑप्शन नंबर क्या आ बाय जाएगा बच्चे, थ्री क्लियर है क्या। यस सर। किसी को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में, नन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन, नो किसी को डाउट होना भी नहीं सर। चाहिए, यस चलें आगे, सर। यस सर। आइए फिर ये क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या बोलना चाह रहा है जनाब। देखिए, एक तो ये ई की पावर आते ही हम घबरा जाते हैं सर, ऐसा होता है क्या हमारे साथ भी, या सिर्फ मैं ही घबरा जाता हूं, बोलो हाँ ना बोलो, यस सर। क्या और क्या निकालना है, फटाफट बताओ, किसी यस
पिछला क्वेश्चन बताया था आयुष ने, वेरी गुड आयुष, इस बार देखते हैं कौन बताएगा। क्वेश्चन पूछा, आंसर नहीं पूछा। कौन बताएगा क्वेश्चन इस बार? बता दो प्लीज, बता दो, हाथ गुड जोड़। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। दूसरा ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बहुत आसान था बच्चे, अभी से स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन देख रहे हैं ये अवंती वाला, जो तुम्हारा टेस्ट पेपर आया था ना पिछला, उसको सोल्व कर रहे हैं। यस सर। देखो मेरे को क्वेश्चन समझाओ, कौन समझाएगा, पढ़ो। जितनी लेट पढ़ाओगे बताओगे उतना लेट भेजूंगा, याद रखना। क्वेश्चन पढ़ के तो समझा सकते हो मेरे को क्या पूछा है इसमें। तो एक पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम टी के ऊपर डिपेंड कर रही है, जो कि हमें गिवन है। हमने में एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है टाइम टी 2 से लेकर 4 सेकंड के बीच में। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। बाकी सब बुद्ध बन के बैठे रहो, है ना? क्या दे रखे बच्चे? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दे रखी है किसी टाइम टी पर, कितनी दे रखी है? 5e की पावर टी टी मीटर पर सेकेंड। अब तुमसे पूछा है इसका मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन बताना है, कहां से कहां तक, टाइम कितना हो, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड। अब तुम्हें एक ही फॉर्मूला बता रखा है एवरेज एक्सेलरेशन का, सबसे बढ़िया क्या था एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? टोटल चेंज इन, वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम टोटल वेलोसिटी का चेंज अपॉन टोटल चेंज इन टाइम। टाइम। टाइम तो अब देखो वेलोसिटी का चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम का चेंज भी फाइनल माइनस इनिशियल। तो पहले तो फाइनल माइनस इनिशियल टाइम का चेंज निकाल दो, 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2। अब वेलोसिटी का चेंज निकालने के लिए मेरे को टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो फाइनल वेलोसिटी कितने टाइम पर है, 4 सेकेंड। टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर। तो फाइनल टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे है, तो वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, टी की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, टाइम कितने सेकेंड वेलोसिटी की फॉर्मूले में, फोर फोर 4। तो 5e की पावर टी की जगह क्या हो जाएगा, 5e की पावर फोर 4 4। तो यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालूंगा बच्चे, अवंती वाला पेपर है इसका, क्वेश्चन नंबर देख लेना। 5e की पावर कितना हो जाएगा, टू टू टू। टू। तो 5e की पावर 4 माइनस 5e की पावर 2। तो आइए इसको चेंज कर, यही तो एक्सेलरेशन है, इसको थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा चेंज करो, रीअरेंज करो, मेरा कहने का मतलब है। क्या कांस्टेंट आ सकते सर, 2 तो दोनों में है ही, और क्या है दोनों में, 5 भी है, और क्या है, e की पावर फाइव क्या है, e की पावर टू कितनी ले सकता हूँ दोनों में आ सही, तो टू। टू। वेरी गुड, तो अंदर क्या रह जाएगा, e का तो टी स्क्वायर स्क्वेयर माइनस वन टी माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ए। ए। कुछ था क्या इसमें नया जो हमने ना पढ़ा हो, नो सर, यही फॉर्मूला हम पढ़ के आए थे सर, नो टोटल सर, चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल चेंज इन यस सर, टाइम। टाइम। वेलोसिटी का हमने निकालनी आती है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल के लिए फाइनल टाइम पुट किया और इनिशियल के लिए इनिशियल। इनिशियल फिर भी किसी को डाउट है तो अभी तुम्हारे पास 20 सेकंड का वक्त है, इसको देख लो अच्छे से। नो सर, यू हैव 15 सेकंड्स, एनी डाउट? नो सर, नो सर, पक्का यस सर, चल सकते हैं यस आगे? सर। चलो फिर। दुन 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 दुन। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। पढ़िए क्वेश्चन को फिर समझाइए, देखते हैं आयुष के अलावा कोई और बता पाएगा क्या। आंसर नहीं पूछ रहा बच्चे अभी तो, सिर्फ क्वेश्चन मेरे को समझा दो और कुछ नहीं करना, ट्रांसलेट करके तो बता ही सकते हो ढंग से, बस जिसका हो जाए ट्रांसलेशन मुझे बताना। हैंड रेस करना जिसका भी हो जाए।
इसके लिए एक फॉर्मूला था जो मैंने तुम्हें पहले से बताया भी हुआ है, लेकिन उसका न्यूमेरिकल हमने नहीं किया, वो यहाँ पर हो जाएगा अच्छे से। जल्दी जल्दी करो, क्वेश्चन समझा दो बस मेरे को। कोई नहीं बता पाएगा क्या? हैंड रेस कर पाता कोई? नहीं तो जितना बोलोगे, देखो जो बोलेगा उसको मैं समझाऊंगा, तुम ट्राई तो करो। हाँ सुजल सर, एक पार्टिकल की इनिशियल स्पीड दी है 10 मीटर पर सेकेंड वेरी गुड, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, वेरी गुड। हाँ उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हमें निकालना है कि 5th सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ, क्योंकि कई बच्चे इसको पढ़ते 5 सेकंड में। इसने बहुत सही बोला, कौन से सेकंड में? 5th सेकंड में। 5 सेकंड में नहीं पूछ रहा, ये सिर्फ पूछ रहा है 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 5वें सेकंड में। टोटल 5 सेकंड नहीं है, कौन सा सेकंड है? सिर्फ 5वां सेकंड। एक पार्टिकल था, फर्क है ना दोनों में, एक पार्टिकल है जो 10 मीटर पर सेकंड से तो चल रहा था, ठीक है, उसके ऊपर एक फोर्स लगी जिसके कारण उसका एक्सेलरेशन आया कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो उस पे क्या बोल रखा है, उसके डिस्टेंस ट्रेवल बताओ 5th सेकंड में, 5th सेकंड। तो ये कैसे निकालेंगे सर? इसको निकालने का तरीका बहुत आसान है, क्योंकि तुमने ये देखा नहीं होगा, देखो ध्यान से, मैंने बोला भी था हम बाद में करेंगे इसको, बट आ भी गया इसको, देखो ध्यान से। एस एन का फॉर्मूला, एस का फॉर्मूला क्या होता है? यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो मैं क्या निकाल दूं? ये देखो, मान लो 0 से लेकर 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड और फिर 5 सेकंड। 5 सेकंड तो एक तो मेरे को निकालना है सिर्फ 5th सेकंड में, सिर्फ किसमें निकालना है बच्चे? 5th सेकंड। उसका कैसे निकालूंगा सर? सर पहले तो मैं क्या निकाल लूं? हाँ बोलो। SM = U + AY2 2N - 1। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, ये इसका फॉर्मूला है, इसको लर्न कर सकते हो आराम से। लेकिन ये आया कैसे? मैंने क्या निकाला बच्चे, टोटल 5 सेकंड के लिए डिस्टेंस निकाल लूं, यानी 5 सेकंड के लिए डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लूं, फिर किसके लिए निकाल लूं टोटल? 4 सेकंड के लिए, किसके लिए? 4 4। फिर 5 में से 4 को क्या कर दूं? माइनस। ये पर्टिकुलर ये वाली वैल्यू आ जाएगी ना 4 से 5 सेकंड, इस वैल्यू वैल्यू में। तो उसी का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, इस क्वेश्चन से जज मत करना, मैं इसका जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले एस की वैल्यू निकाल लूंगा, कितने टी की वैल्यू पुट करूंगा? एन सेकंड। कितने सेकंड? एन सेकंड। फॉर्मूला कुछ बन जाएगा ऐसे, टी की जगह एन पुट करूंगा, हाफ ए एन का स्क्वायर। फिर 5 सेकंड के बाद 4 की निकाली, मतलब अब एन की लिया क्या लिखूंगा? एन माइनस। अब इसी फॉर्मूले में एन की जगह क्या पुट कर दूंगा? एन माइनस वन। फिर इन दोनों को क्या कर दूंगा आपस में? क्या किया था 5 में से 4 वाले को क्या माइनस 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 करूंगा, तो मेरे पास यही फॉर्मूला बनेगा जो भी उस बच्चे ने बोला है। तो तुम चाहो तो इस फॉर्मूले को सीधा लर्न कर लो, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ सबको? यस सर। तो क्या है दिमाग में फॉर्मूला, बिठा लो इसको, ये 5th इक्वेशन है, वैसे 4th इक्वेशन है वैसे, बट इसको डराइव तो उसी से हुई है। क्या है फॉर्मूला सर? ये SN = U + क्या लिखोगे? A/2 2N - 1 पुट कर दो। SN मतलब अब ये N क्या है? Nth सेकंड। क्या है? फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड या 5th सेकंड। अभी इसमें कौन सा बोला है? फिफ्थ। तो अब यहाँ 5 पुट करोगे तो U + A/2 2 × क्या लिख दूं? N की जगह 5 - 1 5 - 1। तो U भी पता है तुम्हें कितना है, वैल्यू पुट कर दो। U कितना है? 10 10। प्लस A कितना है? सब बोलो।
एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन गिवन है 5 और डिवाइड बाय 2 है सर, इनटू 2 इनटू n यानी 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 45 बाय 2, तो 20 प्लस 45 बाय 2 मतलब ये 20 प्लस 45 यानी 65 बाय 2 कितना आंसर आ जाएगा देखो 32.5 तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है बी समझ में आ रहा है, सिंपल एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना और आंसर आ गया। क्या है वो फॉर्मूला दोबारा बोल दोगे, Sn is equal to u plus a by 2 n minus 1। किसी को कोई डाउट है तो कृपया रेज योर हैंड, ये फॉर्मूला कैसे डराइव हुआ तो रेज योर हैंड, जिसको क्लियर है वो थम्स अप और माइक में बोलो यस। यस सर। हाँ विश्व कोई डाउट है बच्चे? नो सर गलती, कोई बात नहीं, चले आगे हम। यस सर चलिए सर, फिर आगे चलिए सर, ये लीजिए सर। अरे ये तो सर हमने पहले दिन ही सीख लिया था कौन सी चीज पॉजिटिव होगी और कौन सी चीज नेगेटिव, लेकिन ध्यान से पढ़ के बताना, गलत हो सकता है ना क्वेश्चन हमारे से, पढ़ेंगे ध्यान से। एक बोल पहले तुम बताओ क्या किया क्वेश्चन, कौन समझाएगा पढ़ो और फिर बताओ। आयुष ने बता दिया, सुजन ने बता दिया, अब किसकी बारी है देखते हैं। क्वेश्चन समझाना है, आंसर तो पूछा ही नहीं अभी मैंने। जितना क्वेश्चन के तौर पे बात करोगे ना उतना समझ में आने वाली है चीजें बच्चे। अभी ये जो एस एन वाले इक्वेशन है ना बच्चे, जो हमने अभी पढ़ी है, याद है ना सबको अभी जो पढ़ी yes, sir. है yes, sir. तो हम अभी मैं करवाने वाला था जब yes, मैं, अब yes, हम मंडे को जब हमारी ट्यूजडे को क्लास है ना इसके बाद yes, तो जिसमें मैं आऊंगा उसके अंदर हम प्रोजेक्टाइल का एंड पार्ट में भी जब अभी तो वैसे रिलेटिव वेलोसिटी तुम्हारी स्टार्ट हो जाएगी, जब मैं आऊंगा तो हम एक न्यूमेरिकल पोर्शन और रखेंगे जिसमें मैंने स्पेशल करवानी है ये चीज एस एन वाले फॉर्मुलेज, ठीक है। इसमें 11th का क्लास B1 को भी कराऊंगा और B2 को भी, तो उसकी भी टेंशन मत लेना, ठीक है। हाँ, बाकी तो वैसे यही है और तो इससे बाहर तो नहीं है, पर फिर भी और प्रोजेक्टाइल को कंबाइंड करके ये SN वाले फॉर्मूले बहुत अच्छे पढ़ते हैं। अभी तो इसमें प्रोजेक्टाइल नहीं है, प्रोजेक्टाइल के साथ SN वाले फॉर्मूले बहुत अच्छे होंगे तो मैंने उसके लिए छोड़ रखा है, ठीक है। बताओ बच्चे अब विश्व तुम बता सकते हो, हाँ सुजल आयुष अभी भी यही, इनके अलावा कोई और नहीं है क्या? वेरी गुड, एक बोल एक बार वेरी गुड खुशबू बताओ बच्चे। सर यहाँ पे बोल रहा है कि एक वॉल है उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका ओरिजिन से, तो हमने माना कि जो वाई एक्सिस है वो ऊपर की साइड है, तो हमें बताना है साइन बताना है हमें पोजीशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जब वॉल है वो नीचे की साइड आएगी। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं थी क्वेश्चन में, बिल्कुल सही तरीके से बताया और ऐसे ही बताना है सबने, ठीक है। क्या करेंगे सर अब इसमें, एक बॉल को कहाँ फेंका हुआ बच्चों, ऊपर की तरफ, ठीक है सर। तो तुम्हें बताना है वाई एक्सिस की ऊपर, तो पोजीशन, पोजीशन मतलब एस, एक्सेलरेशन मतलब ए और वेलोसिटी मतलब वी, इसके साइन बताने। तो ऊपर की तरफ फेंका है तो वेलोसिटी भी कहाँ होगी सर, ऊपर की तरफ, वेलोसिटी ऊपर होगी तो उसका साइन कैसा लूंगा, प्लस पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी सर, ऑब्वियस सी बात है बॉडी कहाँ जा रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी होती है एक्सेलरेशन, वो सर नीचे होगी, और वो क्या बोलते हैं कौन सी एक्सेलरेशन होती, तो उस पे साइन क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव। दिख रहा है क्या तुम्हें कहीं पर ये ऑप्शन, नो सर। फिर अब सर नीचे की तरफ को पूछा जब बोल नीचे आ रही थी, तो फिर बोलो ये बात समझ में आ रही है yes, अभी यहाँ तक yes. ये कब होगा केस yes, sir. ये जब कब बोल होगा केस? जब बोल जाएगी। अब हमने देखने जब बोल नीचे आ रही होगी तो डायग्राम बनाते हैं, आओ
ये तो ऊपर वाले का केस, इसमें किसी को डिराइव्ड है पहले तो ये बताओ। नो सर, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है। अब डाउनवर्ड के लिए आ जाओ, ठीक है। अब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, तो अब जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होगी तो बताओ फिर से डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही होगी? अब नीचे नीचे, नीचे। वेलोसिटी कहाँ होगी सर? अब नीचे, नीचे। और एक्सेलरेशन तो कहाँ ही होती है? नीचे, नेगेटिव, नेगेटिव। तो आंसर क्या आ गया इसका? नेगेटिव, 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 ऑप्शन नंबर सी। अगर ऑप्शन में ये भी ना दिखे और पॉजिटिव 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 दिखे तो वो भी टिक करके आ सकते हो, क्योंकि ऊपर वाले को पॉजिटिव मानना है या नीचे वाले को पॉजिटिव मानना है वो किसकी मर्जी होती है, हमारी या क्वेश्चन वाले की, और किसी की बस नहीं है, ठीक है। तो जब भी तुम्हें नेगेटिव नेगेटिव दिखेगा वहां पर तुम्हें पॉजिटिव 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 नहीं दिखेगा। देखो दिख रहा है यहाँ पर कहीं? नो सर, दो भी ऑप्शन में आ सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस उसने ये स्पेसिफाई ना कर दिया हो खुद से ही कि तुम ऊपर वाले को क्या बोलो, पॉजिटिव पॉजिटिव बोलो नेगेटिव। अगर उसने ऐसा बोल दिया कि ऊपर वाले को पॉजिटिव बोलना है तो अगर ऑप्शन आ गया पॉजिटिव 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 वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने पहले से ही मेंशन कर दिया कि ऊपर वाले को क्या लेना है, पॉजिटिव। हमारा सब कुछ कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ। तो हमारा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। ये किसके लिए हो जाएगी? डाउनवर्ड। तो ये भी पेपर में आया हुआ फोर्थ क्वेश्चन है, ये चेक कर लेना। आओ नेक्स्ट पे आ जाओ, मैं तो लाइन वाइज ही करा रहा हूँ, जितने हो पा रहे हैं हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट, कौन समझाएगा? पढ़ो, आसान है क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन पढ़ो। लेकिन खुशबू ने बता दिया, आयुष ने बता दिया, सुजल ने बता दिया, और एक और बच्चे ने बताया था? नो सर, नहीं नहीं बताया था। ठीक है, वेरी गुड, ये टॉप थ्री हो गए है ना जो बताने वाले। और देखते हैं कौन होगा। ट्रांसलेट ही तो करना है, कर दो भाई ढंग से, लेकिन अच्छे से करना ट्रांसलेट, ऐसे नहीं। एक पार्टिकल स्टार्ट होता है फ्रॉम रेस्ट से, मूव करता है एक्स की तरफ, डिस्प्लेसमेंट होती है 40 स्क्वायर, ऐसे नहीं, सिंपल बताना इजी लैंग्वेज में। हैंड रेस करो, कौन बताएगा? फिर से एक ही बच्चा, दो वही बच्चे आए हैं, और कोई नहीं है? तीन, और कोई भी नहीं है मतलब है, एक तो नया बच्चा। आओ, डर गए सब? कपूर साहब कहाँ हैं, जिनको जल्दी जाना था? बिजी है। बिजी नहीं है, बताओ, तुम नहीं बता पाओगे क्या? ट्राई करो, विश्व, विश्व तुम ट्राई करो। हाँ सुरेंद्र, वेरी गुड, बताओ बच्चे क्या नाम था आपका, भूल गया मैंने। हाँ हाँ बताओ बताओ बच्चे, आप बताओ। अरे एक पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से जो डिस्प्लेस कर रहा है s is equal to 40 square minus 16 square, और हमें बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी जब इसकी वेलोसिटी जीरो कब होगी, हमें ये बताना है। वेरी गुड वेरी गुड, लास्ट में बिल्कुल सही बोले कि एक पार्टिकल है। देखो जब भी किसी को बताएंगे ना हम क्वेश्चन को तो ऐसे बोलेंगे, अब ऐसे बोलने में हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है ना कि एक पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे जानना और उसकी डिस्प्लेसमेंट दे रखी है 40 स्क्वायर माइनस 16 टी, ऐसे नहीं बोलोगे। तरीका ये भी ठीक है, लेकिन इसका अच्छा तरीका क्या है, जब किसी को बोलोगे तो ऐसे बोलना, सर एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और एक्स एक्सिस में चल रहा है और उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है टाइम की फॉर्म में। हमने कहा ठीक है समझ जाएंगे, बाकी तो वो पढ़ सकता है ना, मैं पढ़ भी तो सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसकी वेलोसिटी बताओ जीरो कब हो, कितने सेकंड के बाद। क्लियर है सबको? वेरी गुड, यस, बहुत बढ़िया। अब बताओ अप्रोच सोचो थोड़ा सा, कैसे करें इस क्वेश्चन को। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। वेरी गुड, इनिशियल वेलोसिटी यानी u विल बी जीरो क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ। ओके, एक्स एक्सिस पे चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है 40 स्क्वायर माइनस 16 टी,
अब वो पूछा है वेलोसिटी जीरो कब होगी, वेलोसिटी जीरो का मतलब सर, वेलोसिटी जीरो का मतलब कब आएगा, जब क्या हो, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी जीरो ही हो गई तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कुछ कांस्टेंट है उसका, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा सर, तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज जीरो मतलब डीएस बाई डीटी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, जीरो, तो डीएस बाई डीटी को क्या पुट कर दो, जीरो के इक्वल, तो पहले डीएस बाई डीटी निकालो भी तो सही, डिफरेंशिएट करो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा 40 स्क्वायर माइनस 16 टी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, 40 स्क्वायर का क्या आ जाएगा, पावर आगे पावर में से एक कम, तो क्या हो जाएगा ये, भूल गए 40 स्क्वायर का डिस्प्लेसमेंट कैसे करोगे, 8 टी आगे माइनस इज इक्वल टू जीरो, 8 टी किसके इक्वल आ जाएगा, 16 टी किसके इक्वल आ जाएगा, 2 तो 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, जीरो, जीरो, लेकिन अभी भी मैं चेक करूंगा, समझ में आ रहा है कैसे सर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, और एक चीज और भी होती है ना, मैक्सिमम भी तो होती है, यस सर, सोचो 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 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम के लिए भी यही कंडीशन होती है और मिनिमम के लिए भी यही कंडीशन, बट अभी के लिए मेरे को सिंपल निकालना था कि चेंज जीरो कब है, वो यहीं पर है सर, डीएस बाय डीटी, तो आंसर क्या आ जाएगा, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में मुझे बताओ, पहले हल्का सा भी कुछ भी रह जाए, पक्का, यस सर, चलो तो ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन चेक भी कर लेते हैं एक बारी, हम भी क्या, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बताना, फिफ्थ का बी आ रहा है, बी ही है ना, यस सर, ठीक है, टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 सेकंड, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, क्या किया सर हमने, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जीरो ली, क्योंकि वेलोसिटी तो क्या है, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन उसने कहा है कि जीरो कितने सेकंड के बाद होगी, जीरो का मतलब डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज जीरो के इक्वल रख दिया, डिफरेंशिएशन करके उसको किसके इक्वल रख दिया, जीरो के, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करो क्वेश्चन, पहले तो मेरे को बताओ ग्राफ से निकालना क्या है, फिर आंसर करेंगे, तो सुरेंद्र ने बता दिया, सुजल ने बता दिया, आयुष ने बता दिया, खुशबू ने बता दिया, अब देखते हैं किसकी बारी है, फटाफट करो, वेरी गुड बच्चों, आज अच्छे खासे बच्चों ने इंटरेक्शन किया आज, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे ऐसे ही करेंगे, ठीक है, और कोई बताना चाहेगा इनके अलावा, सुजल और आयुष के अलावा, खुशबू के अलावा, और हम नया नाम ढूंढ रहे हैं अब, वरना तो यही बताएंगे और क्या कर सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन का मतलब बताना है, करो करो, हैंडरेस खड़ा, हैंडरेस करो, मतलब हैंडरेस खड़ा करो, ये क्या हुआ है, हैंडरेस करो बच्चों, हर्षित बताएगा, है ना हर्षित, हर्षित हजर है तो हर्षित बता भी देगा, नहीं तो इंद्र देखो वो बच्चे आ गए चारों पांचों, एक बच्चा और फालतू नहीं आया, कोई भी एक बच्चा आ सकता है उसके नंबर आ जाएगा फटाफट, भाई एक ट्रांसलेट ही तो करना है, वेरी गुड विश, वेरी गुड, बताओ सर, एक पोजीशन टाइम ग्राफ दी है उसमें ये बताना है कि कौन से पॉइंट की, जो मेंशन किए पॉइंट उनमें से कौन से पॉइंट की सबसे ज्यादा स्पीड है, वेरी गुड, एक पार्टिकल का क्या दे रखा है सर, सर पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, तुम्हें बताना है कि इसकी स्पीड मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे है, पॉइंट पे है, हाँ वेरी गुड, किस पॉइंट पे, मतलब पी पर है, क्यू पर है, एस पी क्यू आर, या आर पर है, या एस पर है, अब तुम्हें पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम, अभी सबसे पहला क्वेश्चन ही तो यही था, डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो क्या होगा वो हमें बताएगा वेलोसिटी या स्पीड, स्लोप, स्लोप, और स्लोप को क्या बोलता था, टेन, टेन, और थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, किसके yes, साथ, पॉजिटिव, तो स्लोप निकालने के लिए मैं क्या करूंगा सर, सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, ग्राफ को बड़ा करूंगा, ऐसे दिख रहा है, यस सर, यस सर,
ऐसे करेंगे सर। उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद एक टेंजेंट खींचेंगे सर हर लाइन पे, जैसे सर जैसे सर पी से क्यू, क्यू से आर, और यहाँ पर क्यू पर खींचो, आर पर खींचो, दिख रहा है क्या सबको? यस सर, यस सर। क्यू पर खींच दिया सर, आर पर खींच दिया, ऐसे ही आएगा क्योंकि मैंने थोड़ा लाइट कलर है इसलिए डार्क करके बनाया थोड़ा। और कहाँ खींच दे सर? पी पर भी खींच सकते हो, पी पर। डार्क कलर मिली नहीं राज, तो पी पर भी खींच दी। तो सारे एंगल लेकिन ये किस एक्सिस से मिलेंगे सर? पॉजिटिव एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बनाएगा? ये वाला आर वाला सर, कुछ इतना एंगल? यस सर, यस ये आर वाला है, मैं साइड में बना के दिखा रहा हूँ। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, ये इतना एंगल बना रहा होगा लगभग? यस सर, यस। अच्छा क्यू वाला कितना बनाएगा? क्यू वाला तो बिल्कुल कैसा है? पैरेलल, टोटल सर पैरेलल। तो ये एक्स एक्सिस का कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, ये लगभग लगा तुमको दिख रहा होगा, ज्यादा ही है। ये वाला बताओ, यहाँ पर ऐसा है और ये एक्स एक्सिस है, तो बताओ मुझे कौन सबसे ज्यादा बता रहा है एंगल, पी क्यू या आर? आर बना रहा है, साफ दिख रहा है। और अगर एंगल भी समझ में नहीं आता ना, तुम्हें साफ ही दिख जाएगा एंगल। क्यों सर? जिसका सबसे, जिसपे झूला खाने से तुमको सबसे बढ़िया मजा आए, है ना, जिसपे फिसलने से तुम्हें सबसे ज्यादा बढ़िया मजा आए, उसका स्लोप सबसे ज्यादा। देखो क्यू पर, क्यू से जब आर की तरफ बैठोगे, यहाँ पर कोई बैठेगा तो वो गजब नीचे नहीं गिरेगा अच्छे से? है सर ज्यादा ढलान है, लेकिन यहाँ पर ढलान क्या है, थोड़ी सी कम है इसके मुकाबले, कम ढलान है। यहाँ पर तो ढलान ज्यादा है ही नहीं सर। क्या है, क्या क्यू पॉइंट पे? नो सर, क्यू पॉइंट पे इसका स्लोप क्या है, इसलिए क्यू पॉइंट का जीरो। जीरो, आर पे ढलान सबसे ज्यादा है, इसलिए उसका स्लोप भी सबसे ज्यादा, और स्लोप ज्यादा तो क्या ज्यादा? स्पीड, स्पीड ज्यादा। तो आर पॉइंट की स्पीड सबसे ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर सी। बिना देखे, मतलब बिना थीटा को ध्यान में रखे भी बता दो, जिसका ढलान सबसे ज्यादा उसका स्लोप सबसे ज्यादा। उससे भी आसान तरीका, जिसपे बैठने के बाद तुम्हें सबसे बढ़िया झूला लगे, जो सबसे बढ़िया झूला लगे ना फिसलने के लिए, यस सर, उसी का ही स्लोप सबसे ज्यादा। किसी को डाउट? नो सर। पक्का? नो सर। पक्का? यस सर, यस सर। जैसे अब झूला भी मैं दो तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, झूले से भी कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कई लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। ऐसा समझो, स्लोप ऐसी चीज है, ढलान है। तुम्हारे पास बाइक है ना, बाइक, उस बाइक को तुमने या साइकिल को तुमने ऊपर चढ़ाना है किसी ऊपर छत पे, बढ़िया तरीके से चढ़ाई पे। तो एक तो चढ़ाई तुम्हारे पास बच्चे ये है, देखो ये चढ़ाई है, और एक चढ़ाई है तुम्हारे पास ये, तो किस पे बड़ी मुश्किल से चढ़ेगा? ए पे सर, जो दूसरी वाली। ए वाले पे मुश्किल से चढ़ेगी साइकिल या बी वाली पे? ए वाले। तो इसका स्लोप सबसे ज्यादा है। समझ में आ रही है क्या बात? जिसका स्लोप सबसे, जिसकी ढलान बहुत है ना, ऊंचाई बहुत है, ढलान बहुत है, तो वो ज्यादा दिख, इसका स्लोप, इसका थीटा देखो कम है, इसका थीटा क्या है? ज्यादा। समझ में आ रही है? तो ज्यादा दिक्कत होगी सर, चढ़ा के दिखा देना, और बिल्कुल ऐसा हो जाए तो देख लो सर, टक 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 चढ़ेगी नहीं, है ना, समझ में आ रहा है? और बिल्कुल सीधा हो तो सर स्लोप कितना हो गया? जीरो, 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 ना ढलान ही नहीं होगी। आइए बात करें आगे। नो सर, यस सर, लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी कराऊंगा नहीं क्योंकि ये कराया हुआ एग्जैक्ट क्वेश्चन, देख लो। यस सर, कराया हुआ है क्या ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने? Yes, देखो लिखा हुआ है, कौन समझाएगा? जिसने समझा दिया ये क्वेश्चन फिर नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने कराया हुआ है क्वेश्चन। कौन समझाएगा मेरे को ये क्वेश्चन? एक सेकंड बच्चों,
बच्चों बताओ क्वेश्चन समझा दो फिर छुट्टी तुम्हारी। क्या था ऐसा क्वेश्चन याद आया तुम्हें? एक पैराशूटिस्ट है जो वो एरोप्लेन से कूद रहा है, याद है? यस सर। फिर उसने पैराशूट क्या निकलते ही खोल दिया था क्या? नहीं सर, 50 मीटर तक वो बिना फ्रिक्शन के गिरा। हाँ, बिना पैराशूट खोले गया था। उसके बाद उसने क्या किया सर? पैराशूट खोल दिया, पैराशूट खोला, और उसके बाद वो ग्राउंड पर रीच हुआ 3 मीटर पर सेकंड से। तो याद है क्या उसने बताना था? कितना उसका हाइट था, है ना? याद है क्वेश्चन किया था हमने एग्जैक्टली? यस सर, यस सर। कितनी हाइट है उसकी एरोप्लेन से लेकर यहां तक? तो इसको करवाने की जरूरत नहीं होगी आई थिंक। यस सर। अगर फिर मैं बैठा हूँ, यही बैठा हूँ, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन में तो मेरे से अभी पूछ ले। मैं हिंट दे देता हूँ पूरा, ये लास्ट क्वेश्चन है। और जैसा कि मैंने वादा किया था एक दिन पिछली बार क्लास ज्यादा जल्दी ज्यादा देर तक ली थी सर। यस सर। हाँ बोलोगे जब क्वेश्चन की बारी है तब ही बोले थे। तो ये एरोप्लेन था बच्चे, ये एरोप्लेन है हमारे पास। यहाँ की खिड़की खोल दी, क्या नहीं खुली? खोल दी सर। यहाँ से एक बंदा नीचे आया सर, बढ़िया तरीके से, जेठालाल है ना? हर जगह जेठालाल का इतना वेट है बच्चे, ये नहीं पहुंच पाएगा। इसके लिए तो डाइट फूड खाना पड़ेगा, और वो डाइट फूड कौन खाता है? मेहता साहब को खुदवाओ, है ना? तो मेहता साहब को खुदवाओ यहाँ से। ये नीचे गिरा, तो अब कितने सेकंड तक ये फ्री फॉल गया? कितने हाइट तक? सॉरी 50 मीटर। तो 50 मीटर तक तो भाई साहब ऐसे ही रहे। सिर्फ कौन खींच रहा था इनको अपनी तरफ? ग्रेविटी। हाँ, अर्थ। उसके बाद कुछ थोड़ा सा चेंज आया और भाई साहब सीधे हो जाएंगे ना, तो पैराशूट खुल जाएगा, तो ये अपने आप खुद थोड़ा सा एडजस्ट भी कर देंगे। तो अब क्या हुआ सर? इसने पैराशूट खोला अपना बढ़िया तरीके से, टन 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 टन, ठीक है। और कितने सेकंड, कितनी इसकी वो हो गई एक्सेलरेशन? अब 2 मीटर पर सेकंड लिखूं क्या? पर सेकंड स्क्वायर लिखूं क्या? माइनस। वेरी गुड, क्योंकि ये डी एक्सेलरेशन है। और ग्राउंड पर पहुंचते पहुंचते इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती थी? 3 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी जब निकलेगा तब वो कितने से निकलेगा, कौन बताएगा? फ्रीली फॉल हुआ है तो कितने से निकला होगा? फ्रीली फॉल में इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं? जीरो। तो याद है ना ये क्वेश्चन कैसे किया था? ये पूरी हाइट निकालनी थी हमें। तो पहले तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट तो मुझे गिवन है इतनी 50 मीटर। मेरे को बस यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट निकालनी है H2। तो 50 में से 50 और H2 को ऐड कर दूंगा तो टोटल हाइट आ जाएगी सर। ये हाइट कैसे निकाली थी सर? ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो बी पॉइंट पे जो यहाँ से निकलने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो बी पॉइंट के लिए कैसे एक्ट करेगी? कैसी वेलोसिटी की तरह? इनिशियल वेलोसिटी की तरह। यहाँ हो गई इनिशियल वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। या ये भी नहीं लगा सकते तो, क्योंकि t तो है नहीं, तो क्या लगा दोगे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। जी नहीं लिखेंगे, a लिखेंगे, क्योंकि अब पैराशूट का एक्सेलरेशन है खुद का। अब वो सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है, उसका एक्सेलरेशन कितना दे रखा है अब? -2। क्लियर है ना? ये सब ये हमने किया था। फिर भी किसी को याद है तो मतलब किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। एग्जैक्ट क्वेश्चन किया था विद एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, बिल्कुल सेम याद है। इसका आंसर शायद 182 मीटर आया था मेरे हिसाब से, जहां तक मेरे को याद है। यस सर। ठीक है, फिर भी किसी को डाउट है तो बताओ बच्चों को। कोई कुछ पूछना चाहता है मेरे से? ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी को कहो किसी को याद नहीं है तो पूछ लो। पूछना है कुछ आयुष? कुछ पूछना है सुजल? कुछ पूछना है तुमने? तुम हाँ बोल रहे हो, ठीक है। बाकी किसी को भी कुछ पूछना है क्या?
विश्व को भी नहीं पूछना। अच्छा सुरेंद्र, क्षितिज, आयुष, अतुल, खुशबू और अर्पिता, अर्पित सॉरी अर्पित, अर्पिता भी थी। अच्छा चिराग, गौरवित या गर्वित है, गर्वित, हर्षित, जसप्रीत, किरण, कुछ नहीं पूछना, रिधिमा, किरण, मयंक, पीयूष, साधिल कपूर, चलो ठीक है बच्चे, फिर हम आज के लिए इतना ही करेंगे। मैं मान के चलूं क्लियर है आपको? यस सर। इसी अप्रोच से अपने क्वेश्चंस को करना, पहले क्वेश्चन को दिमाग में बिठाना, समझाना, फिर उसके बाद करना। देखो कोई भी ऐसा चीज थी जो हमने नहीं पढ़ा था फॉर्मूला, बताओ एस एन वाला फॉर्मूला भी हमने सिर्फ पढ़ा था, उसका न्यूमेरिकल नहीं, बाकी सब भी, उसके अलावा कुछ था रह गया जो हमने ना किया हो, एस एन किया है ना, तो हमने जो किया वहीं से पेपर आया, तो हमें रिवाइज करना पड़ेगा बस। अच्छे से रिवाइज करो और फिर दोबारा हम बात करेंगे जब हमारे को फ्री टाइम मिलेगा, हम दोबारा से इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चे, ओके बाय बाय। यस सर। बाय सर। बाय सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। टेक केयर सर। बाय।